आई एम ऑन द टॉपिक ऑफ ITR, फ्यू अमेंडमेंट्स हियर एंड ITR पे अगेन ICR लव्स आस्किंग क्वेश्चंस एंड इट्स इजी एंड क्विक मार्क्स फॉर यू बिकॉज यू कैन गेट दैट. ओके येस, तो फटाफट आई नोट डाउन. फर्स्ट क्विकली, फॉर हुम इज ITR फाइलिंग मैंडेटरी? LLP एंड कंपनी, व्हाट इज द सीन फॉर LLP, कॉर्पोरेट असेसी, LLP फर्म एंड कंपनी, क्या सीन होता है इनका? LLP फर्म एंड कंपनी ऑलवेज मैंडेटरी टू फाइल द रिटर्न. क्या? ऑलवेज मैंडेटरी टू फाइल द रिटर्न. दे डोंट हैव एन चॉइस एंड दे हैव टू फाइल द रिटर्न मैंडेटरी, वेदर दे मेक अ लॉस और दे मेक अ प्रॉफिट. एक रुपए का लॉस, एक रुपए का प्रॉफिट, कुछ भी करने दो, इनको रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी. ओके, आई एम ऑन द टॉपिक ऑफ ITR, इनकम टैक्स रिटर्न. येस, इट हैज सम अमेंडमेंट, सो लिसन केयरफुली. LLP एंड फर्म एंड कंपनी, ठीक है, इनके लिए रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी. अदर देन दिस, बचे हुए रिमेनिंग असेसीज के लिए रिटर्न फाइलिंग कब मैंडेटरी होता है? जब उनका इनकम, ओके, विदाउट कंसिडरिंग चैप्टर 6 से, मतलब एज इफ चैप्टर 6 से अगर नहीं होता तो डिडक्शंस के पहले वाला इनकम, माने GTI. कौन सा इनकम देखने का? GTI. इफ दे आर GTI और दे आर इनकम, अगर कैपिटल गेन में एग्जम्पशंस है अंडर सेक्शन 54, तो मान लो कि एग्जम्पशंस नहीं होते. ओके, एग्जम्पशंस इग्नोर करना, मतलब एग्जम्पशंस हम ऐड करेंगे, ठीक है. ये इनकम जो है, इफ इट एक्सीड्स BEL, देन इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू फाइल द रिटर्न. आई विल एक्सप्लेन. लेट्स टेक माय GTI इज 6 lakhs और 5,40,000, ठीक है. ओ, विल नॉट टेक दैट. NTI, ठीक है, 340 लेते हैं. लेस चैप्टर 6 से, चैप्टर 6 से डिडक्शन कितना है, मान लो 1.5 लाख, ठीक है, कितना है? 1.5 लाख. तो अब बोलो NTI कितना आया? 1,90,000. इज इट मैंडेटरी टू फाइल द रिटर्न? यस. इज इट मैंडेटरी टू फाइल द ITR? यस, बिकॉज माई GTI एक्सीड्स BEL. NTI नहीं देखने का, क्या देखने का? GTI. दिस इज एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट विच इज 2.5 लाख. तो क्या मेरे लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है? हाँ. फटाफट, यू शुड नो द ड्यू डेट्स. ICR लाइक्स दिस, सो अ वेरी क्विक आई डू अ रिविजन विथ यू सो दैट इट विल हेल्प यू स्कोर योर मार्क्स ऑल्सो प्लस डू द अमेंडमेंट्स ऑल्सो. तो ITR फाइलिंग LLP फर्म कंपनी के लिए हमेशा मैंडेटरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर इनकम. सेकेंड कैटेगरीज अदर देन दीज, अदर देन LLP फर्म एंड कंपनी, इन लोगों के लिए इनकम देखा जाएगा. अगर इनका इनकम, इग्नोर चैप्टर 6 से डिडक्शन, इग्नोर कर दो, मतलब अगर NTI से स्टार्ट करोगे तो उसको एड बैक कर देना. या अगर आपने कैपिटल गेन्स की वर्किंग करी है, कैपिटल गेन्स में किसी का LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके, उस किसी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन असेसी का आया है 50 lakhs, यू हैव क्लेम्ड एग्जम्पशन अंडर 54. उसने घर ले लिया, फिर से ही री इन्वेस्टेड इन अ हाउस प्रॉपर्टी. किस में री इन्वेस्ट कर दिया? हाउस प्रॉपर्टी में. उसने 48 lakhs का घर ले लिया. अब उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ कितना? 2 लाख. उसका अदर इनकम IOS है कुछ 20,000. ये जाता है, बोलता है, देखो मेरा इनकम तो 2,20,000 है, नो नीड टू फाइल ITR. नो, गवर्नमेंट से नहीं चलेगा, हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि तुमने 48 lakhs का एग्जम्पशन चाहिए लिया है, नहीं तो ये लोग मिस आउट हो रहे थे ना. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? ना, इग्नोर 54. ऐसा मान लो कि अगर तुम्हें 54 का एग्जम्पशन मिलता ही नहीं, ऐसा मान लो कि तुमको चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलता ही नहीं, तब इनकम देखना क्या होता? वो BEL से बढ़ेगा, तो तुमको तो रिटर्न भरना पड़ेगा. तो इस केस में भी असेसी को रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी, रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी, क्योंकि अगर ये एग्जम्पशन नहीं होता तो असेसी का इनकम होता 50 lakhs प्लस 20,000, which would be exceeding BEL, basic exemption limit से ज्यादा, तो आपके लिए return filing हो जाएगा mandatory. Is that okay? तो आपको return filing हो जाएगा mandatory. All okay with this? Yes. तो 50 lakhs plus ये 20,000, ये एक example. अब इसमें और एक भी cases आ गई थी, ये आपको already था कि आपका light bill कितना है, आपको पता है क्या? और भी conditions थे, आपका foreign trip का खर्चा, आपने bank में 1 crore से ज़्यादा पैसे डाले, 3 conditions थे जब आपको फिर भी return filing was mandatory. So when you deposited more than 1 crore of cash in your current account,
आपका इनकम कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो आपके लिए रिटर्न फाइलिंग वॉज मैंडेटरी. ये अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले से ही था. आपका रिटर्न फाइलिंग कब मैंडेटरी? इफ यू आर डिपॉजिटिंग मोर देन 1 crore इन योर करंट अकाउंट. ठीक है. हाँ, तो आप आके बोलना मत कि मेरा इनकम सिर्फ 1 lakh ही है तो मैं रिटर्न नहीं भरूंगा. नो, यू बेटर फाइल द रिटर्न. दूसरा, इफ यू हैव इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2 lakhs पर एनम ऑन फॉरेन ट्रिप ऑफ योर सेल्फ, योर डॉटर, योर सन, सन्स वाइफ, दे आर गोइंग फॉर अ फॉरेन ट्रिप एंड यू आर स्पेंडिंग मनी मोर देन 2 lakhs पर एनम, देन फॉर यू फाइलिंग ऑफ द ITR इज मैंडेटरी. और यू आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ मोर देन 1 lakh पर एनम, देन फाइलिंग ऑफ ITR इज मैंडेटरी. फिर उसके बाद बोला था CBDT हैज प्रिस्क्राइब्ड, विल प्रिस्क्राइब मोर केसेस एंड नाउ दे हैव प्रिस्क्राइब्ड मोर केसेस विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम November 2022 ऑनवर्ड्स. और भी कुछ केसेस ऐड हो गए जो अमेंडमेंट के अंडर है. नाउ अगेन अंडरस्टैंड, पहले ITR किसको फाइलिंग कंपलसरी? चलो, कंपनी फर्म LLP ऑलवेज. अदर देन कंपनी फर्म LLP, दे यू विल चेक दिया इनकम. इनकम इग्नोरिंग Chapter 6 है, मतलब एडबैक Chapter 6 है. एडबैक 54K exemption. If that income exceeds BEL, then ITR is mandatory. Then there were these 3 conditions of 1 crore ke upar cash, 2 lakh ke upar foreign trip ka kharcha, 1 lakh ke upar electricity bill. Fir aapko return filing kya hai? Mandatory hai. Uske aage, now every person other than an LLP and company, why other than an LLP and a company? Because unko to waise bhi mandatory hai. Agar aapka turnover, सेल्स और आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स ऑफ अ बिजनेस एक्सीड 60 lakhs ड्यूरिंग द ईयर, भले आपने उस साल लॉस कर दिया होगा लेकिन आपका टर्नओवर कितना है 60 lakhs के ऊपर. आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस दैट MCQ और समथिंग लाइक दैट, कि असेसी है, हिज बिजनेस टर्नओवर इज 80 lakhs बट ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 1 lakh और ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ ओनली 1 lakh, नो अदर इनकम, सो हिज इनकम डज नॉट एक्सीड BEL. कितना टर्नओवर है? 80 lakhs. Turnover 80 lakhs, profit बोलेंगे 1 lakh. कितना profit किया? 1 lakh. No need to file return. No other income. GTI 1 lakh. Can I say no need to file return? No, it will be wrong. Can I say no need to file the return? No, it will be wrong. You can't say that. फिर क्या करना पड़ेगा? रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपका टर्नओवर 60 लैक्स के ऊपर है. सो राइट डाउन, इफ टर्नओवर एक्सीड 60 लैक्स कंपल्सरी रिटर्न फाइलिंग. Business turnover exceeds 60 lakhs. Business turnover exceeds how much? 60, na? Professional receipts exceeds 10 lakhs. बहुत लोग आ जाएंगे अभी इसमें. And if aggregate, आपका TDS और TCS जो कट हुआ है, is 25,000 or more. In these 3 cases, compulsory ITR filing has been introduced. Second, I'll tell you, professional receipts exceeding 10 lakhs, business turnover more than 60 lakhs. ये लिखे हो गया क्या? पहला कैटेगरी का है? नहीं, ये किसके लिए? एवरी पर्सन अदर देन फर्म LLP कंपनी. किसको है? कितना हड़ू जा कैमरा प्रसाद, इधर कैमरा चेक कर, त्याचा एक धक्का लगला होता. ओके है ना? ओके, नाउ लिसन, लिख के लिया क्या? 3 पॉइंट्स. क्या 3 पॉइंट्स है बोलो जल्दी. थैंक यू, थैंक यू. मुझे अलग नहीं, सिर्फ कॉफी, आई डोंट ड्रिंक टी. ओके, सो योर सेल्स और टर्नओवर एक्सीड 60 लैक्स, प्रोफेशनल रिसीट्स एक्सीड 10 लैक्स और योर TDS एंड TCS मिला के 25,000 के ऊपर चला गया. अनफॉर्चुनेटली कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई
तो आपको ITR भरना मैंडेटरी है. एंड आई थिंक दिस इज अ बिग अमेंडमेंट दैट हैज कम इन, जिसमें मैक्सिमम पीपल आर गोइंग टू गेट कवर्ड अंडर दिस. मैक्सिमम पीपल आर गोइंग टू गेट कवर्ड अंडर दिस. सो दे आर ट्राइंग टू ट्रैप नाउ, यू नो, कुछ और छूट रहे क्या लोग जिनको ITR कंपल्सरी नहीं है. दे वांट डेटा कलेक्शन, सो दे वांट दिस ITR फाइलिंग टू बी डन. समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ओके. सो दिस इज एन अमेंडमेंट. दिस इज अदर देन LLP फर्म एंड अ कंपनी. वाई मैम अदर देन LLP फर्म एंड कंपनी? यार LLP फर्म कंपनी को वैसे भी रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी, उनको तो चॉइस इज नहीं है. समझ में आ गया क्या? ओके. एंड ऑफकोर्स हियर फॉर, ओके, पॉइंट कंटिन्यूज हियर, वन मिनट. TDS एंड TCS इज 25,000, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए TDS TCS की लिमिट 50,000 की रख दी है. नेक्स्ट, अगर आप डिपॉजिट करते हो इन वन और मोर सेविंग्स बैंक अकाउंट इज 50 lakhs और मोर. सेविंग्स अकाउंट, हाँ, सेविंग अकाउंट में 50 lakhs से ऊपर डिपॉजिट करना इज अ बिग थिंग. सो देन फॉर यू ऑल्सो रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी. सो 4 न्यू क्लॉजेज हैव बीन एडेड फॉर रिटर्न फाइलिंग. बिजनेस मोर देन, टर्नओवर मोर देन 60 lakhs, प्रोफेशनल रिसीट्स मोर देन 10 lakhs, TCS TDS अमाउंट एक्सीड्स 25,000, अमाउंट इज 50,000 फॉर अ सीनियर सिटीजन, एंड यू आर मेकिंग डिपॉजिट्स, मतलब यू आर पुटिंग इन मनी इन योर सेविंग्स अकाउंट ऑफ मोर देन 50 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. एक या एक से ज़्यादा आपके सारे सेविंग्स अकाउंट में मिलकर. एंड गाइज, 50 lakh अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो कुछ तो हुआ रहेगा ना यार, इनकम सेविंग में, वो भी. हाँ, गड़बड़ है. इसलिए रिटर्न फाइलिंग बोल दिया आपको मैंडेटरी. ठीक है, नोटेड. सो हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग एटलीस्ट सम क्वेश्चन ऑन दिस काइंड ऑफ एन अमेंडमेंट, राइट? नाउ रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या होती है? ICAI लाइक्स दिस ऑल्सो क्वेश्चन. व्हाट इज द ड्यू डेट? हाउ मेनी ड्यू डेट्स आर देयर? 31st October, 30th November. 30th November इज नॉट देयर फॉर अस, इट्स फॉर फाइनल, वील बी लर्निंग इट. जिन लोगों को ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होता है उनके लिए ड्यू डेट इज 30th November. 30th November वाला ड्यू डेट फिलहाल तो अपने को नहीं है, क्योंकि हमको ट्रांसफर प्राइसिंग इंटर में नहीं है. सो टू ड्यू डेट्स, 31st July एंड 31st October. 31st October इज फॉर एवरी कॉर्पोरेट असेसी. कॉर्पोरेट असेसी को टैक्स ऑडिट हो या टैक्स ऑडिट ना हो, ड्यू डेट इज 31st October, करेक्ट? बट मैम फिर 30th September को अभी क्या काम चल रहा है ऑफिस में? सो ऑडिट रिपोर्ट एक महीना पहले सबमिट करना पड़ता है. अगर आपको ऑडिट होता है तो आपको दो चीज़ें सबमिट करनी पड़ती है. इफ़ यू कवर्ड अंडर ऑडिट बेटा, यू हैव टू थिंग्स. यू हैव टू फाइल द ITR प्लस यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट. ITR हैज़ टू बी सबमिटेड बाय 31st October इफ़ यू कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट, एंड रिपोर्ट हैज़ टू बी सबमिटेड बाय 30th September. इफ़ यू आर नॉट कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट, दिस इज नो टैक्स ऑडिट. इफ़ यू हैव नो टैक्स ऑडिट, देन यू जस्ट हैव अ ITR एंड आपके लिए ड्यू डेट होगा 31st July. आपके लिए ड्यू डेट होगा 31st July. ऑडिट रिपोर्ट हैज़ टू बी सबमिटेड ऑलवेज 1 month बिफोर द ITR. इज दैट ओके? अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ICAI को पसंद है. आप, मैं ना कुछ बताती हूँ केसेस, आप बताना ड्यू डेट क्या आएगी. आई एम अ सैलरीड पर्सन, मेरे लिए ड्यू डेट क्या होगा? 31st July. हाँ, आई एम एक्स लिमिटेड विथ टर्नओवर ऑफ जस्ट 2 lakhs. 31st July October. कॉर्पोरेट असेसी के लिए ड्यू डेट इज ऑलवेज 31st October. कॉर्पोरेट असेसी के लिए नोटेड डाउन, ड्यू डेट इज ऑलवेज 31st October. उनको टैक्स ऑडिट हो ना हो, उनका टर्नओवर कम हो, कुछ भी हो, उनके लिए ड्यू डेट इज 31st October. आई एम अ फर्म having tax audit 31st October. I am a partner of such firm 31st October. A partner who is a partner of a firm, ऐसी firm जिस firm को tax audit है, तो उस partner के लिए भी due date बन जाएगा 31st October. मैं partner हूँ, कौन सी firm की partner हूँ, जिस firm को tax audit applicable है, तो मेरे लिए भी due date बन जाएगा क्या? 31st October, बरोबर? Okay. I am a firm with just 2 lakhs of turnover.
firm 30 with just 2 lakhs of turnover, 31st July firm corporate SSC में सिर्फ कंपनी आती है. क्या रे ऐसे क्यों कंफ्यूजन कर रहे तू? सुनो, corporate SSC due date is 31st October always. Tax audit हो या tax audit ना हो. Non-corporate SSCs में दो parts है, whether you have tax audit or no tax audit. If you don't have, non-corporate में सब आ गए firm वगैरह. If you don't have tax audit then 31st July. If you have tax audit then 31st October. इसमें doubt है क्या पूछ लो भाई. ये रिपोर्ट का डेट है, चलो पूछ लो. ये जो मैंने लिखा है ये इंपॉर्टेंट, इसमें डाउट है क्या? डाउट है क्या पूछो. कॉर्पोरेट एसएससी के लिए ड्यू डेट क्या है? पक्का? एंड नॉन कॉर्पोरेट में सब आ गए, उनको टैक्स ऑडिट है या टैक्स ऑडिट नहीं है उसके ऊपर ड्यू डेट डिपेंड करेगा. नाउ व्हाट आईसीएआर लाइक्स, लिसन, आई एम अ इंडिविजुअल, I have opted for presumptive basis 44 AD. What is my due date? आप 44 AD में आ गए मतलब audit नहीं है. Audit नहीं है मतलब 31st July का date है. I am a individual. My turnover is less. But I have opted out of, मैं 5 साल कंटिन्यूसली नहीं रही 44 AD में. आपको पता है 44 AD का एक कंडीशन है कि एक बार आप अंदर चले गए तो 5 साल अंदर ही रहना पड़ता है. मैं 44 AD में गई, 1 साल के अंदर इस बाहर आ गई. आई डोंट वॉन्ट 44 AD, आई हैव कम आउट ऑफ इट. अब आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा. वंस यू गो इन 44 AD, यू मस्ट रिमेन इन 44 AD फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. वंस आई गो इन 44 AD, आई मस्ट रिमेन इन 44 AD फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. इफ यू कम आउट ऑफ इट बिफोर दैट, देन आपको पनिशमेंट के तौर पर टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, प्लस आपको अगले 5 साल तक 44 AD का ऑप्शन फिर से नहीं मिलेगा. सो आई एम अ इंडिविजुअल, ईयर वन मैंने 44 AD लिया. ईयर टू आई ऑप्टेड आउट, देन कंपल्सरी टैक्स ऑडिट. एंड इंस्टीट्यूट लाइक्स टू चेक डायरेक्टली, दे लास्ट यू व्हाट इज द ड्यू डेट. तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको टैक्स ऑडिट आ गया तो यार इसका ड्यू डेट क्या हो जाएगा. Yeah, and due date of ITR will be 31st. Turnover देखने का नहीं पता है, year 2 में उसका turnover कम भी है, फिर भी वो 44 AD से बाहर आ गया, इसके लिए tax audit करवाएगा. Turnover कुछ भी रहने दो, tax audit के हिसाब से हो या ना हो, वो बाहर आ गया तो उसको punishment मिलेगा. झेपता है क्या? Note करना क्या ये किसी को? किया है? एक सेकेंड.